नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में बढ़ रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का अब रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही दोषी वाहन के चालक का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई बैठक में अधिकारियों को इस फैसले के बारे में बताया और इस संबंध में उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही सरकार ऑटो और बस में ओवरलोडिंग को लेकर भी एक विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। जिलों में हेलमेट सीट बेल्ट के साथ फिटनेस जांच अभियान में भी तेजी लाने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि जान कीमती है, इससे खिलवाड़ न करें और अपने वाहन को तेज गति से न चलाएं। बैठक के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जाए। खासकर हाईवे पर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो एवं बस को नियंत्रित करने के लिए सख्ती पूर्वक अभियान चलाया जाए। बताया जा रहा है कि परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं दुर्घटना के पश्चात की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 3 सदस्यीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करे। वहीं सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके, इस संबंध में भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें दौड़ेंगी। राजधानी पटना में लोगों को लग्जरी इलेक्ट्रिक बसों की सहूलियत देने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए 8 बसें पटना के फुलवारी शरीफ पहुंच चुकी हैं। इन आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों के बारे में बताया जा रहा है कि यह 1 घंटे में चार्ज होगी और फुल चार्ज होने के बाद यह 250 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। आपको बता दें कि हाल के दिनों में बिहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। अनियंत्रित वाहनों के चपेट में आने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुछ दिनों पूर्व ही कटिहार जिले के NH 31 पर कुर्सेला थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। कोसी पुल पर एक स्कॉर्पियो व ट्रक की टक्कर हो गई थी। इस टक्कर में स्कॉर्पियो के चालक समेत 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया था। पीएम ने जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट किया था, साथ ही उन्होंने घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि लगातार सड़क हादसों में वृद्धि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को अनुग्रह राशि दी जाएगी, साथ ही घायलों का समुचित इलाज कराया जाएगा। बताते चलें कि बिहार में लगातार बढ़ रही सड़क हादसों के मद्देनजर ही अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि सड़क हादसों में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उस वाहन के चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।